हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 14वां टॉपिक है गुणनखंड। देखो फैक्टर, इसमें पहले तो कुछ बढ़िया बढ़िया सूत्र बताता हूं आपको। एक तो a जमा b का वर्ग होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। एक होता है a माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और माइनस 2ab। एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a माइनस b और a प्लस b। एक होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a b। एक होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a b। देखो एक्सरसाइज 14.1, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात, यानी कॉमन पद निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है 12x और 36, इसमें सार्वगुणनखंड बताना है। सार्वगुणनखंड होता है कि जो कॉमन है ना वो निकालना है। जैसे मान लो 12x के फैक्टर करेंगे और 36 के, 12x हो गया 2 दूनी 4 और 4 दिया 12x, ठीक है। 36 हो गया 3 चौका 12 और 12 दिया 36। अब इनमें सार्वगुणनखंड निकालना है, दोनों में कॉमन पद निकालना है। तो 4 के और फैक्टर बना दो, 4 के बना दिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दिया 36, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। अब 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 दूनी 4 कॉमन हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 भी कॉमन हो गया, लेकिन x इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 दो बार है, इसमें 3 एक बार है, तो इसमें जो सार्वगुणनखंड हो गए वो 4 दिया 12, जो दोनों में कॉमन पद है वो सार्वगुणनखंड हो गए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने हमें। तो गुणनखंड जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि दूसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा एक्स स्क्वायर वाई और ये दे रखे है जेड प्लस एक्स वाई की दो और जेड प्लस दे रखा है कि एक्स वाई और जेड की। अब देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड में सिर्फ कॉमन लेंगे, इसमें से तीनों में से एक्स वाई जेड तीनों में है, तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां एक्स दो बार है, एक्स एक बार आ गया तो अंदर बच गया एक एक्स, यहां एक्स बार ले लिया, जेड बार ले लिया, वाई दो बार है, एक बार वाई बार ले लिया तो एक वाई बच गया। यहां एक्स वाई दोनों बार है, जेड दो बार है, यहां जेड एक बार है तो जेड एक बार बच गया, दैट इज फैक्टर, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि वो ही हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रखे है x की दो जमा एक्स वाई, ठीक है, जमा 8x और जमा 8y। तो गुणनखंड में एक बात ध्यान रखनी है कि x एक साइड ले लो, y एक साइड ले लो, ठीक है। जब भी करना हो, गुणनखंड करना हो, तो x एक जगह करो, y एक जगह, ताकि जो दोनों फैक्टर हैं, जो ब्रैकेट है दोनों, उनमें एक जैसी संख्या आनी चाहिए। जैसे यहां मैं x स्क्वायर है, इस 8x को आगे लिखता हूं, जमा एक्स वाई और जमा 8y, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहां x दो बार, x एक बार, x बाहर आ गया, यहां बच गया x, यहां बच गया 8,
ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ गया y जमा y, तो x यहां आ गया यार प्लस 8। अब इन दोनों ब्रैकेट में यदि एक जैसी संख्या है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है नहीं तो गलत है। हमें आगे पीछे करके क्या करना है, जब दो दो में कॉमन लेंगे तो ये जो दो ब्रैकेट है इनमें एक जैसा मान होना चाहिए। अब एक फैक्टर में तो x और ये y जमा y ये एक जगह हो जाएगा और इन दोनों का एक अलग से हो जाएगा x जमा 8, दैट इज फैक्टर। ऐसे करें तो ये जो तीसरे क्वेश्चन है ना सब में ऐसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और करता हूं, क्वेश्चन दे रखे हैं 15xy, दूसरा क्वेश्चन है 15xy ठीक है माइनस 6x और जमा 5y और माइनस 2। मैंने बताया था कि x एक जगह है और y एक जगह है। अब ये जो 15xy है तो y y एक जगह करेंगे, इसमें y है, y इसमें सिर्फ इसमें है, इसको आगे दे दो 5y, फिर माइनस 6x और माइनस 2, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ 5 5 दिया 15 तो 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ y है यहाँ भी y है y में कॉमन आ गया, अंदर बच गया जब 15 में से 5 कॉमन लोगे तो कॉमन वाली जो संख्या है इसमें इस कॉमन वाली संख्या का भाग दिया जाता है। 15 में 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, y ऑलरेडी बाहर है, अंदर बच गया x ठीक है, और जमा 5 बाहर है y बाहर है तो ये बच गया 1, क्योंकि 5y में जब 5y का भाग देंगे तो बचेगा 1। ये माइनस का निशान है माइनस एच इट इज, 6 और 2 में कॉमन आ गया 2 ठीक है, तो 6 में 2 का भाग देंगे 2 दिया 6, x एच इट इज, माइनस बाहर ले लिया माइनस बाहर है माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 में 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 1, तो इसमें 1 तो आ गया, फैक्टर हो गया 5y माइनस 2 और एक ही ब्रैकेट वाला हो गया 3x प्लस 1। उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें वही गुणनखंड कर रहे हैं। देखो तीन पद दिए गए हैं, एक ही दो जमा 8a जमा 16, उसमें क्या था कि चार पद दे रखे थे, तो हम x को x के साथ ले लिया, y को y के साथ, दो दो में कॉमन ले लिया, तो वो फैक्टर वैसे कर ले। अब ये मात्र तीन पद है इसमें ठीक है, एक द्विघात समीकरण कह सकते हैं इसको, तो इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, a और c को गुणा करेंगे, 16 को a से गुणा करेंगे, 16 a की 2, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जब हम हल करते हैं सोल्व करते हैं जोड़ते घटाते हैं तो 8a होना चाहिए, तो एक तो हो गया 4a और एक 4a, वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि दोनों का गुणा तो ये आना चाहिए और जब इनको सोल्व करेंगे जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला पद बचना चाहिए। तो 4 4 कैसे आएंगे कि 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया और 4 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, a को a से गुणा करेंगे तो 1 पावर ये हो गई, 1 ये हो गई, तो गुणा करेंगे तो 1 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे पहला पद एज इट इज, इस 8a की जगह ये दोनों पद लिखेंगे, दो पद कौन कौन से हो गए 4a और 4a, और तीसरा पद एज इट इज, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, a आ गया कॉमन, a दो पर है 1 बाहर आ गया प्लस a बाहर आ गया अंदर बच गया 4, ये निशान जैसा भी है वैसा लिखेंगे, 16 में 4 में कॉमन लेंगे 4, क्योंकि 16 में 4 का भाग जाता है और 4 में भी 4 का भाग जाता है, तो अंदर एक तो रह गया a और 16 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 चौका 16, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक तो a प्लस 4 एक फैक्टर तो ये बन गया, और जो दो ब्रैकेट में एक जैसे हैं इनको एक बार लिखें। एक बार फिर बताता हूं कि जब तीन पद दिए गए हैं, द्विघात जब दी गई है पी स्क्वेयर माइनस 10p ठीक है और प्लस 25, अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले तो पहले और तीसरे का गुणा करो, इसका गुणा हो गया 25p की 2, अब 25p की 2 हो गई तो ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, गुणा तो 25 आना चाहिए, उनका जोड़ 10 होना चाहिए ठीक है, तो 5 बजू 25, दोनों फैक्टर 5 5 हो गए,
लेकिन माइनस का 10 कब होगा, जब दोनों माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, निशान सेम रह जाता है। ये मैंने पहले उस टॉपिक में करवा रखा नोवा नोवी एक्सरसाइज, उसमें सारी बातें बता रखी। तो पहला एज इट इज, इसकी जगह दोनों पद लिखेंगे माइनस पांच बी और माइनस पांच बी और जमा के 25, इन दोनों में कॉमन लेंगे। पहला और तीसरा तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसके जगह दो फैक्टर बना रहे जिनका गुणा इनके बराबर हो, जिनका जोड़ बीच वाले के बराबर हो। पी आ गया कॉमन, पी माइनस पांच, ठीक है, माइनस पांच कॉमन आ गया, पी और माइनस और प्लस माइनस हो गया, 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंच 25, तो दो फैक्टर हो गए पी माइनस 5 और फिर पी माइनस 5, इन दोनों का एक पर लिखा जाता है और ये दोनों एक पर। ठीक है, एक और देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि 25 एम की दो प्लस 30 एम और जमा, देखो मैंने बताया था इसका इसका गुणा, 25 नम है 225 और एम स्क्वायर। अब दो ऐसे फैक्टर बना रहे हैं कि प्लस के 30 हो जाए, दोनों को जोड़े तो 30 आ जाए, ठीक है। तो इसका एक तरीका यह है कि ये जो ए और सी का जो हम गुणा करते हैं इसके फैक्टर बनाओ पहले ऐसे। वैसे तो 15 का वर्ग 225 होता है, 15 और 15 30 हो गए, लेकिन तुम्हें यदि याद ना आए कि भाई 15 का वर्ग 225 है तो इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे, 5 चौका 20, 5 नम 45 और 3 3 8। अब पता क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर करके दो फैक्टर बनाएंगे ताकि इनका गुणा 200, क्योंकि इनका गुणा तो 225 लेना है, पर ऐसा ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि ये बीच वाला ये 30 एम बन जाए। तो 5 5 25 और 3 3 9, तो 25 एमों का संबंध 30 से नहीं है क्योंकि जोड़ो घटाओ 20 नहीं बनेगा। अब 5 3 15 और फिर 5 3 15 ये दो फैक्टर बन गए, तो 15 एम और 15 एम ये दोनों गुणा तो यही आना है 15 का 15, क्योंकि इसी के फैक्टर है ये, और 15 और 15 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे जमा जमा के, ठीक है। तो पहला तो एजिटी लिखेंगे 25 एम की 2 जमा 15 एम और फिर जमा 15 एम और प्लस 9, इनका वही कॉमन लेंगे, 5 एम कॉमन आ गया, तो 25 में 5 कॉमन ले लिया तो 5 5 25 5 एम आ गया, क्योंकि एम दो बार है, एक बार बाहर आ गया एक बार रह गया, प्लस 15 में जो 5 का भाग देंगे 5 3 15, यहाँ जमा इनमें 3 कॉमन आ गया, 15 में 3 का भाग देंगे 5 एम जमा 9 में 3 का भाग देंगे 3, तो एक तो ये आ गया 5 एम जमा 3, एक फैक्टर तो ये हो गया और दूसरा ही ब्रेक कटवा हो गया क्योंकि ये डबल एक जैसा रहेगा, ये हमेशा एक जैसा रहेगा। वैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, इसमें वही गुणनखंड करने हैं जैसे पहला ही क्वेश्चन है 4p की 2 माइनस 9q की 2, तो वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। पहले तो इसको बढ़ाओ, 4 को यदि ऐसे 2 लिख के पूरे की स्क्वेयर कर देंगे, इसको जब हम खोल लेंगे तो 2 का वर्ग 4 और p का वर्ग, माइनस 9 को लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे ये, अब ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको लिखेंगे एक बार तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में दो और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दैट इज आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड करने हैं।
ठीक है, इसमें गुणनखंड करने हैं तो इसमें किशन तो ये दे रखे हैं 7 पी की 2, दूसरा क्वेश्चन है 7 पी की 2 और प्लस 21 क्यू की 2, तो इसमें वही कॉमन लेंगे, 7 कॉमन आ गया, पी स्क्वायर जमा 21 में 7 का भाग देंगे, 7 21 3 क्यू, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 5 वाई की 2, ये क्वेश्चन है चौथा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं 5 वाई की 2 -20 वाई -8 जेड और +2 वाई जेड +2, वो ही मैंने बताया थे 4 पद हैं, तो एक्स एक्स एक साइड लो, वाई वाई एक साइड। पहले क्या करेंगे कि इसमें सीधा कॉमन ही ले लेंगे, इसमें वाई वाई है, इसमें जेड जेड है, इसमें 5 वाई कॉमन आ गया, ये बच गया वाई और -5 का 20, यहां कॉमन ले लिया हमने, यहां 8 में भी 2 का भाग जाता है, 2 में भी 2 तो आ गया, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो 2 चौका 8 4 और प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, 2 जेड बाहर आ गया तो वाई, तो वही बात आ गई कि इसको वापस कर लो, ऐसे इसको करो वाई माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस वाई है, तो इसको ऐसे करो, ये रकम है ना, तो 5 वाई क्योंकि ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए, तो 20 वाई पहले लो 2 वाई जेड और ये 8 जेड है, ये माइनस ही करने, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो वही 5 वाई कॉमन आ गया, तो वाई माइनस में 4 यहाँ कॉमन आ गया, 2 जेड कॉमन आ गया, तो वही वाई माइनस 4, तो ये ब्रैकेट एक जैसा हो गया, एक तो आ गया 5 वाई प्लस 2 जेड। मोटी बात यह है जब भी गुणनखंड करोगे तो ये जो ब्रैकेट है इनमें एक जैसे मान होने चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे ले दिया, एक और करते हैं ये आ गया 10 AB, ये है 8वां क्वेश्चन, तीसरे में 8वां, ये दे रखे हैं 10 AB, ठीक है, +4A, +4A, +5B, +2, अब वही ब्रैकेट में हमें एक जैसा लेना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि बी बी को एक जगह करेंगे, एक बाकी इसमें ए है, ये बी एक बी आ है बी, तो इस बी को पहले यहां लाओ, उसके बाद फिर चेंज करके देखेंगे +5B, +4A और +2, अब एक जगह क्यों ले लिया हमने कि 5 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 5 बार आ गया, बी इसमें भी बी बार आ गया, तो यहां बच गया 5 × 10 2A+1, ठीक है, प्लस यहां को ले लिया हमने 2, तो 2A+2 में 2 का भाग देंगे 1, तो ये ब्रैकेट एक जैसा हो गया, तो एक तो लिखेंगे 5B+2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2A+1। मोटी बात यह है हमें आगे पीछे करके ये ब्रैकेट में एक जैसी संख्या लानी है, ये गुणनखंड होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में भी वो गुणनखंड करने हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a^4 - b^4 इसके गुणनखंड करने हैं, तो इस 4 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 2 में कैसे करेंगे, a^2 इसकी पावर 2 और -b^2 इसकी पावर 2, अब वही हो गया a^2 - b^2, तो एक बार तो करेंगे a^2 - b^2 a-b हो गया, क्योंकि a ये पूरा है, ये b है, तो a-b और a+b, ठीक है, अब यहां फिर ये टूटेंगे, ये की 2 - b की 2 है ना, तो ये इसको फिर तोड़ दो, दूसरी बार a-b और a+b, ठीक है, और ये चीज रहेगा a^2 - b^2, ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते हैं इसका कि एक्स की चार, ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्स की चार माइनस वाई प्लस जेड की चार। देखो वही, इसको दो में कन्वर्ट करो, एक्स की दो इसकी पावर दो माइनस वाई प्लस जेड की पावर दो और इसकी पावर दो, ठीक है। तो अब देखो ए की दो माइनस बी की दो, वही ये सूत्र लगाएंगे एक बार। तो ए क्या हो, ए प्लस बी, ये एक तो हो गया ए प्लस बी, ठीक है, और एक बार हो गया ए और माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको फिर तोड़ सकते हो, ए की दो माइनस बी की दो, तो इसको क्या लिखेंगे, ए, अब ये माइनस बाहर है, ठीक है, तो ये अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, ये तो ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी करोगे तो एक बार ये हो गया, ठीक है। इसके दो फैक्टर अलग अलग बना दिए और ये ऐसी चीज हो जाएगा, तो ये टोटल इसके फैक्टर हो, ये गुणन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14.3 देखो, निम्नलिखित विभाजन कीजिए, इसमें भाग देना है। तो भाग में क्या होता है कि आधार यदि बराबर होते हैं तो भाग में घात कट जाती है, गुणा में घात जुड़ जाती है। मैं कहूंगी 28x की 4 और भाग देना हमें 56x है, तो भाग कैसे देंगे हम, कि ऊपर तो लिखेंगे 28x की 4 और नीचे लिखेंगे 56x, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर एक होती है, ठीक है। 28 + 28 = 56 और x की, यहां यदि आधार बराबर है तो घात कट जाती है, x चार बार है और उसमें x एक बार का भाग देंगे तो x चार में से एक घटाओगे x की पावर 3, ठीक है, और अपॉन 1/2 यानी कि 2 नीचे, दैट इज आंसर। x की पावर जो होती है ना उनको भाग में घटाया जाता है, गुणा में जोड़ा जाता है। एक बात की शुरू करते हैं, 34x की 3, तीसरा क्वेश्चन है, 34x की 3 और y की 3 z की 3 और इसमें भाग देना है हमें 51 xy की 2 xy की 2 और z की 3 का भाग देना है। देखो ये ऊपर लिखेंगे 34x की 3 y की 3 और z की 3 और नीचे लिखेंगे 51x 1 बार y 2 बार और z 3 बार, तो 17 × 34 और 17 × 3 = 51, तो 2/3 तो अलग से हो गया। x 3 बार है, x 1 बार है, तो ऊपर x 2 बार बच गया, y 3 बार है, y 2 बार है, ऊपर y 1 बार बच गया, z 3 बार है, यहां भी z 3 बार है, तो z की 3 से z की 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि z की 3 में जब ये तीन ही पावर घटाएंगे भाग देते हैं तो z की पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, या z की पावर 0 लिख सकते हैं, ऐसे किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दो में वही भाग देने हैं, जैसे 5x की 2 -6x, ठीक है, और भाग देना हमें भाग में 5। तो जब ये दो पद हो गए, इन दोनों पदों में जब 5 का भाग दोगे, जब भी भाग देना पड़ता है, जैसे 5 का भाग दे रहे हो, तो 5 का भाग तो मतलब ये 5 इसके भी अपॉन है, ये 5 इसके भी अपॉन है, तो इसको अलग अलग लिखना है तुम्हें, 5x की 2/5 -6x/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, यहां बच गया एक्स स्क्वायर और यहां बच गया 6x/5। मोटी बात ये दोनों के अपॉन होता है, और यदि बाद में 3x होता तो क्या करते,
कि ये जो 3x है ये दोनों के अपोन में है, ये 3x इसके अपोन भी है 3x और ये इसके अपोन भी है 3x। अब इसको कैसे करेंगे, ये x दो बार एक बार x तो 1x तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 बटा 3x माइनस x से x कैंसिल 3 दूनी 6 ये आ गया माइनस 2। छोटी बात ये है कि दो या तीन जितने भी पद हैं और एक पद का भाग दिया जाए तो वे सभी के अपोन होता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि देखो तीसरा क्वेश्चन है हमें भाग देना है 10y इंटू 6y प्लस 21 ठीक है, और भाग में 5 इंटू 2y प्लस 7। कैसे भाग देंगे, पहले भी इंटू खोलो 10 संगी 60y की 2 प्लस 21 दाई 210y और भाग देंगे 5 दूनी 10y और जमा 5 सतू 35। 60y की 2 प्लस 210y अपॉन 10y और जमा 35। तो मोटी बात यह है कि यही करना पड़ेगा कि वही कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन वही 10y कॉमन आ गया, एज इट इज यही रख लो फिर 6y जमा 21 ठीक है अपॉन वही 5 कॉमन आ गया y 2y प्लस 507, तो ये आ गया 5 दूनी 10 2y ठीक है अपॉन 6y जमा 21 और 2y प्लस 7। इसको और आगे अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आ गए ना 2y अपॉन 6y जमा 21 है ठीक है अपॉन ये नीचे 2y प्लस 7 बच गया, तो इसमें और कॉमन ले सकते हो, इसमें इसमें ले सकते हो, ये 2y तो बाहर है ठीक है, 3 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो एक 3 कॉमन और ले लो बच गया 3 दूनी 6y प्लस 3 7 21 और नीचे है ये एज इट इज 2y प्लस 7, तो ये 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल 3 दूनी 6y, तो इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा 6y, क्योंकि ये 3 को 2 से गुणा करेंगे गुणा में आपस y भी गुणा में ही आपस में 6y। एक किस्म हो गया बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 3 और इसका क्वेश्चन है चौथा। देखो 9x की 2 y की 2 9x की 2 और y की 2 और उसके बाद है 3z माइनस 24 और इसमें भाग देना है 27xy भाग में 27xy और z माइनस 8। देखो इसको ऊपर लिखो 9x की 2 y की 2 और 3z प्लस 24 अपॉन 27xy और z प्लस 8। सबसे पहले तो 9 + 27 x दो बार x एक बार एक x कैंसिल, एक y दो बार y एक ये कैंसिल, ऊपर बच गया xy और नीचे है 3, इन दोनों में कॉमन ले लो 3 यहां भी है 3 यहां भी है तो 3 तो आ गया कॉमन ठीक है, अंदर बच गया एक तो z और 24 में 3 कॉमन लेंगे तो 24 में 3 का भाग देंगे 3 8 24 और नीचे क्या हमारे पास z + 8 आइए रहा z + -8
ये कैंसिल हो गया, ये तीन से तीन कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर पांच देखो, इसमें क्या करना है कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। y की 2 जमा 7y और जमा 10 क्वेश्चन नंबर एक, और इसमें भाग देना है y प्लस 5 का, y प्लस 5 का। देखो इसके फैक्टर बनाएंगे, मैंने फैक्टर बनाने बताए थे किसी एक्सरसाइज में कि फैक्टर कैसे बनाएंगे, कि इन दोनों को गुणा करो 10y की 2, ऐसे दो टुकड़े बनाओ कि गुणा 10 आए बीच के 7 बचे, तो वही 5 × 10 और जमा के 7 कब बचेंगे जब दोनों में जमा कर देंगे, 5 × 2 = 7। अब पहला तो एज इट इज, और 7y की जगह दो टुकड़े क्या क्या लिखेंगे, तो 5y और एक लिखेंगे 2y और प्लस 10, इनमें कॉमन इनमें कॉमन, वाई कॉमन ये आ गया वाई प्लस 5 और 2 कॉमन फिर वही वाई प्लस 5, तो दो फैक्टर क्या क्या हो गए, तो y प्लस 2 हो गया और एक y प्लस 5 हो गया, ठीक है। ये दो फैक्टर हमने इसके बना लिए, और भाग देना है, भाग का मतलब अपॉन, भाग देना है किसका, y प्लस 5 का भाग देना है, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, तो भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा y प्लस 5। इस पांचवें में सारे मैसे कर ले, पहले गुणनखंड करो और फिर भाग करो। एक और करता हूं, क्वेश्चन नंबर पांचवे में दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है m की 2 माइनस 14 m, m की 2 माइनस 14 m, ठीक है, माइनस 32, इसके फैक्टर करके और इसमें फिर भाग देना है, हमें भाग देना है m प्लस 2 का, ये भाग देना है। सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, m की 2 माइनस 14 m और माइनस 32, देखो इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा आ गया 32 m की 2। अब 32 के दो टुकड़े बनाएंगे, गुणा 32 और जोड़ 14 हो, तो 32 के टुकड़े हो गए 16 × 32, 16 m और 2 m, तो अब माइनस 14 कब आएंगे, जब बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान हो और छोटी रकम के साथ प्लस का निशान हो, ठीक है, इन दोनों का गुणा ये आएगा, इनको जोड़ेंगे सोल्व करेंगे तो ये 14 आएगा, तो इस 14 m की जगह दो टुकड़े क्या क्या रखेंगे, m स्क्वायर एज इट इज, पहले तो लिखेंगे माइनस 16 m, फिर लिखेंगे प्लस 2 m और फिर माइनस 32, इन दोनों के इन दोनों के, m आ गया कॉमन m माइनस 16, ठीक है, प्लस 2 आ गया कॉमन m और 32 में 2 का भाग देंगे, माइनस और जमा माइनस हो गया, 32 में 2 का भाग देंगे 16 × 32, ये दोनों फैक्टर एक जैसे हो गए, m प्लस 2, m प्लस 2 और दूसरे फैक्टर में m माइनस 16। अब भाग इनमें भाग देना है m प्लस 2 का, तो m प्लस 2 का हम भाग देंगे, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, दैट इज आंसर। जो ये चौथी एक्सरसाइज है, लास्ट जो एक्सरसाइज है, इसमें चौथी जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। जैसे सारे सवालों में हमें त्रुटि ज्ञात करनी है, बराबर करने हैं दोनों पक्ष, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर करनी है, बराबर 4x - 5। अब ये दोनों बराबर कर लिए हमें, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे कि 4 को x से करेंगे तो 4x * खोलेंगे, 5 × 20 और जो कि यहां दिया रहा है 4x - 5, तो कहां गलती हो गई, ठीक है, यहां गलती है, -5 इसकी जगह, -5 की जगह हमें 20 लिखना है, तो इसमें है ना सही करना है, बराबर करना है दोनों पक्षों को। अब जैसे 9वां सवाल दे रखे इसमें कि 3x + 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर 3x की 2 + 6x
और जमा चार। देखो ये दोनों पक्ष बराबर कैसे होंगे, ए जमा बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस टू ए और बी बराबर इधर दे रखे हैं तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस चार, तो ये हो गया नौ एक्स स्क्वायर प्लस चार और प्लस तीन नौ छह दूनी बारह एक्स, और जबकि तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स और प्लस चार जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोलवा जो टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना, देखो संख्याओं के साथ खेलना इसमें जो भी विभाजकता के नियम है सिर्फ वे याद रखने हैं, विभाजकता के नियम है। जैसे सबसे पहले तो मैं कहूं कि कोई संख्या दो से विभाजित कब होती है, चार से, चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ, तो जब भी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे यदि केवल इकाई का अंक दो से विभाजित है, यदि इकाई का अंक दो से विभाजित है तो ये लगा लो कि वह संख्या दो से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिखोगे नौ आठ सात पांच चार दो एक आठ तीन चार जैसे कितनी बड़ी संख्या लिखोगे यदि केवल इकाई का अंक दो से विभाजित है तो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। चार के लिए इकाई और दहाई दो अंक होने अनिवार्य है, जब इकाई और दहाई दोनों अंकों में चार का भाग जाता है, जैसे ये है बयालीस, इकाई और दहाई पे बयालीस है, बयालीस में चार का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी, यदि बयालीस में चार का भाग नहीं जाता तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं यहां लिख दूं मान लो अड़तालीस लिख देता हूं, तो अब क्या ये संख्या चार से विभाजित है, तो इन दोनों अंकों में भाग देख के देखना है तुम्हें, अड़तालीस में चूंकि चार का भाग जाता है इसलिए पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। आठ के लिए अंतिम तीन अंक होने अनिवार्य है, अंतिम तीन अंक, यदि अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित है तो पूरी संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि नौ आठ सात चार पांच एक तीन दो पांच एक, जैसे यहां स्टार लगा दो, स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए कि यह संख्या आठ से विभाजित हो, तो पूरी संख्या में भाग देख के नहीं देखना तुम्हें, तुम्हें क्या करना है कि लास्ट के तीन अंक लेना है केवल पांच एक और स्टार, स्टार के स्थान पर क्या लिखेगी आठ, आठ छंगी अड़तालीस, यहां बच गए तीन, यहां यदि स्टार के स्थान पर दो लिखे हम तो ये हो जाएगा आठ चौका बत्तीस, यानी कि स्टार के स्थान पर यदि दो लिखा जाए तो ये पूरी संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी। दो के लिए एक अंक देखना है, चार के लिए दो अंक, आठ के लिए लास्ट के तीन अंक, सोलह के लिए लास्ट के चार अंक। उसी तरह यदि तीन तिया नौ तिया सताइस ती इक्यासी तिया दो सौ तैतालीस तिया सात सौ उनतीस, जैसे ये नियम, इनके सभी के नियम यही है, साझा नियम है कि यदि कितनी भी बड़ी संख्या है उस संख्या का अंकों का योग यदि तीन के पाड़े में आता है तो तीन से विभाजित है, नौ के पाड़े में आता है तो नौ से विभाजित है, सताइस के पाड़े में आता है तो सताइस से विभाजित है। जैसे मैं यहां लिखूं, यहां स्टार लिख देता हूं कि स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए, क्या लिखे हम कि यह संख्या नौ से विभाजित हो। अब नौ से विभाजित के लिए We know that, कि अंकों का जोड़ नौ के पाड़े में होना चाहिए, नौ आठ सत्रह सात चौबीस तीन सताइस चार अट्ठाईस सताइस चार इकतीस, और नौ के पाड़े में आता है नौ आठ सत्रह सात चौबीस तीन सताइस और चार इकतीस, और नौ के पाड़े में आता है नौ नौ चौका छत्तीस, जबकि इनका जोड़ इकतीस है तो यदि पांच लिखेंगे तो इकतीस और पांच छत्तीस, और छत्तीस चूंकि नौ के पाड़े में आता है तो स्टार के स्थान पर हम पांच लिखेंगे। तो तीन और नौ का नियम ये होता है कि अंकों का जोड़ यदि तीन के पाड़े में आता है तो तीन से विभाजित है, और नौ के पाड़े में आता है तो नौ से विभाजित है।
आवाज आए जैसे 5, 5, 25, 25, 125, 5, 625 और 5, 3125 और 5, 15, 625 जैसे इनका साझा नियम है कि पांच के लिए नियम है कि यदि इकाई का अंक पांच से विभाजित होना चाहिए, कितनी बड़ी संख्या हो केवल इकाई का अंक पांच से विभाजित होना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या लिखोगे 9, 7, 8, 5, 4, 8, 4, 3 कुछ भी लिखो, लेकिन यदि केवल और केवल इकाई का अंक पांच का भाग जाता है, इकाई के अंक में यदि पांच का भाग जाता है तो पूरी संख्या पांच से डिवाइड होती है। 25 के लिए इकाई और दाई यानी कि लास्ट के दो अंक इकाई प्लस दाई, यदि इकाई और दाई दो अंक यदि ये दो अंक 25 विभाजित है तो पूरी संख्या 25 विभाजित होती है। 125 में लास्ट के 3, 625 में 4, तो तुम्हें 5 और 25 याद रखना है। यदि इस इकाई का सिंगल अंक 5 से विभाजित होने के लिए 5 होना ही अनिवार्य है, 25 के लिए तो 25 हो या 25 दुनी 50 हो या 25 या 75 हो। यदि कितनी बड़ी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से विभाजित होता है, 5 से होता है और वो 5 दुनी 10 से होता है। यदि 00 है तो 4 से होगा कन्फर्म, 25 से होगा कन्फर्म और 25 का 100 से होगा। यदि लास्ट में 30 है तो हमेशा वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, वो संख्या 125 से डिवाइड होगी और 125 आठा वह संख्या 1000 से डिवाइड होगी। एक 11 का नियम होता है, 11 से विभाजित कब होती है, 11 से विभाजित कोई संख्या जब होती है जब जैसे मैं कहूं कि 3, 4, 5, 6, 1 जैसे मैं कहूं कि यहां स्टार लिखूं तो स्टार के स्थान पर क्या लिखूंगी, यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ बराबर करना है या उनमें अंतर 11 करना है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ बराबर करना है। 5 और 3, 8 ठीक है, 8 और 4, 12 जैसे मैं कहूंगी 5 एक छोड़कर एक अंकों का जोड़, 3 और 5, 8 और 4, 12 इनका जोड़ 12 आ गया। अब इसका जोड़ बराबर करना है, 6 और 4, 10 यदि मैं 2 लिखता हूं तो इनका जोड़ दोनों का बराबर होता है, यानी कि सम और विषम के स्थानों का योग, अंकों का जो योग है वो बराबर होता है या उनमें 11 का अंतर होता है। जैसे मैं कहूंगी 7, 3, 2 यह क्या लिखूंगी 11 से विभाजित हो जाए, तो एक छोटे एक अंकों को जोड़ो, 7, 1, 7 और 2 को जोड़ो, 7 और 2, 9 और 3 में क्या जोड़े कि 9 ही हो जाए, 6 जोड़ेंगे तो दोनों का योग बराबर होता है। यदि 6 लिखेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाए, एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ बराबर है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो इसमें संख्याओं के साथ खेलना, इन दोनों एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज है, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है। एक्सरसाइज 16.1 है, इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मल 3A और यहां दे दिया हमें 2, 5 ठीक है और यहां दे दिया हमें 2 और B, तो इसमें A और B का मान बताना, जोड़ना है इनको। तो A का मान क्या लिखेंगे, 5 जोड़ते 2 आ जाए, तो क्योंकि 2 तो 5 से छुट्टी है, 12 तो हो सकता है क्योंकि 12 में 2 लिखेंगे असल पाई 1 हो जाएगी। तो यदि 1 की जगह 7 लिखोगे तो 7 और 5, 12 का 2 असल पाई 1, 3 और 2, 5 रे का सल्फाई जोड़ोगे 5 और 1, 6 तो यहाँ ए का मान हो गया 7 और बी का मान हो गया 6, जोड़ या घटा करके ऐसे करना है ठीक है। संख्याओं से खेलना है मुझे बात यह। और जो दूसरी एक्सरसाइज है ये तो इसमें वो जो मैंने अभी बताया था उस तरह के क्वेश्चन है कि 16.2 जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, यदि 21y और 5 में यदि नौका एक गुणज है, नौका गुणज का मतलब, नौका गुणज का मतलब है कि नौके पाड़े में आता है यानी कि नौ से पूरा पूरा कटता है, यदि इसमें नौका भाग जाता है तो वाई का मान बताना है। और मैंने बताया था नौका नियम बताया था कि अंकों का जोड़ नौके पाड़े में होना चाहिए, तो 5 और 2, 7 और 1, 8 इनका जोड़ 3, 9, 8 तो हो गया, और जबकि 9 यदि हो जाता तो नौका भाग चला जाता, तो वाई की जगह यदि 1 रखोगे, वाई की जगह यदि 1 रखोगे तो इनका जोड़ क्या हो गया 2 और 1, 3 और 1, 4 और 5, 9 और 9 चूंकि नोक के पाड़े में आता है तो वाई का मान हो गया 1। नोक का नियम होता है कि अंकों का जोड़ नोक के पाड़े में होना चाहिए, तो इसमें वाई का मान निकालना है। एक दे रखा है 31 जेड
31 जेड और 5 जेड का मान बताना है, जेड का मान बताना है कि यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, तो 9 से विभाजित का नियम वही बताया था कि 9 के पहाड़ी में होना चाहिए। अब 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, पहले 9 जोड़ हो रहा है, तो यदि जेड की जगह हम 0 लिखते हैं तो भी इनका जोड़ 9 ही रहेगा, ये भाग चला जाएगा। यदि जेड की जगह हम 9 लिखते हैं, जेड की जगह 9 लिखते हैं तो भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 5 9 5 14 15 और 3 18 18 9 के पहाड़ी में आता है। तो 0 लिखेंगे तो भी इनका अंकों का जोड़ 9 हो जाएगा, 9 होते 9 का भाग जाएगा। यदि जेड के स्थान पर 9 लिखेंगे तो भी अंकों का जोड़ 18 हो जाएगा और ये 9 से विभाजित होगा। और ये कह रहा है कि 24x, तो ये इसमें 3 का गुणन जो है यानी कि 3 से विभाजित करने के लिए x की जगह क्या लिखे, तो मैंने बताया था 3 का नियम ये होता है अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ी में होना चाहिए। तो 4 और 2 6, यदि x की जगह 0 लिखोगे तो भी ये भाग चला जाएगा, क्योंकि जोड़ 6 ही होता है, 3 के पहाड़ी में आता है। यदि x की जगह 3 लिखोगे तो भी चला जाएगा, क्योंकि 4 3 7 और 2 9, 9 भी 3 के पहाड़ी में आता है। ठीक है, तो इसमें केवल 3 और 9 के 2 के नियम है बस, भाई 3 से भाग कब जाएगा और 9 से कब जाएगा, और दोनों का एक ही नियम है कि अंकों का जोड़ उनके पहाड़ी में आना चाहिए बस। जैसे एक दे रखे है कि 4a, ठीक है, और 9 8, और इनका जोड़ दे रखे है 3b और c, और इनको जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, a का मान क्या लिखेगी, 8 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए, तो 3 तो चूंकि 8 से छोटा है, 8 और 5 13, यदि a की जगह 5 लिखते हैं तो 8 और 5 13 का 3 असल पाई 1, 9 और 4 13 और 1 14, तो यहां C का मान 1 हो गया, B का मान 4 हो गया और A का मान 5 हो गया। इस तरह संख्याओं से किया गया, नॉर्मल सा टॉपिक है।